सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह और बात चल रही है अस्तित्ववाद की। हम लोगों ने अस्तित्ववाद पर बात कर ली है और अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे शिक्षा में अस्तित्ववाद क्या है, शिक्षा में अस्तित्ववाद से हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या अप्रोच से फायदा हुआ है शिक्षा को अस्तित्ववाद की। सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर एजुकेशन। लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड, Hindi as well as in English. Subscribe my channel. I am Dr. Rashmi Singh and this video will be useful for such type of teaching examinations. Okay, so let's start. There is no need to define existentialism in this video because we have talked it earlier. From the educational perspective, existentialist believes that most philosophies of the past have asked out people to think deeply about thoughts and abstractions that had little or no relationship to everyday life. मतलब कि अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो अस्तित्ववादी जो हैं वो ये विश्वास करते हैं कि जितनी भी पूर्व मतलब अधिकांश जितने भी दर्शन पूर्व के हुए हैं, भूतकाल के हुए हैं, वो लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम कैसे सोचें उस हिसाब से सोचें, उस अमूर्तता में जाके सोचें, उस प्रकार के विचारों को सोचें जिनका हमारी जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बहुत कम संबंध है, या तो बिल्कुल संबंध नहीं है या कम संबंध है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जिनका हमारी रोजमर्रा की जीवन में कम महत्व है, उस पर सीखने पर बल देते रहे हैं पूर्व के दर्शन। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंशियलिस्ट इस पर बल नहीं देता है। देन फॉर एजुकेटर्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट वांट चेंज इन एटीट्यूड अबाउट एजुकेशन। क्योंकि यहां पर हम इसको एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो अस्तित्ववादी शिक्षाविदों के लिए क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक एटीट्यूडिनल चेंज लाया जाए शिक्षा में। इंस्टेड ऑफ सर्विंग इट एज समथिंग अ लर्नर इज फिल्ड विद, मतलब क्या होता रहा है कि शिक्षक को सॉरी अधिगमकर्ता को ये पढ़ाना है, उसको इस तरह से इंफॉर्मेशन देनी है, ऐसे प्रोवाइड करनी है, इसकी बजाय क्या करना है, दे सजेस्ट दैट लर्नर्स फर्स्ट बी लुक्ड एज इंडिविजुअल्स। यानी कि सबसे पहले अधिगमकर्ता को हम ये समझें कि वो एक व्यक्ति है, वो एक अलग डिस्टिंक्ट यूनिक पर्सनैलिटी है, एंड दैट दे बी अलाउड, सॉरी सॉरी यहाँ टी होना चाहिए था और हम एंड दैट सॉरी and that they be allowed to take a positive role in the shaping of their education in life. जब हम उनको individual समझेंगे तो उनको अनुमति दी जाएगी कि वो एक positive role play कर सकें अपनी शिक्षा और अपने जीवन को आकार देने के लिए। Then they believe that good education must emphasize individuality. और existentialists क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि अच्छी शिक्षा क्या है, अच्छी शिक्षा वो है जो individuality को emphasize करती है, individuality पर महत्व देती है, व्यक्तित्ववाद पर, कि each individual is unique and must be respected. Okay? तो इस हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, सबसे पहले फोस्टरिंग यूनिक क्वालिटीज एंड कल्टीवेटिंग इंडिविजुअलिटीज। यानी कि इस तरीके का होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य जो कि हमारे अंदर, हमारे का मतलब ईच इंडिविजुअल के अंदर यूनिक विशिष्ट गुणों को फोस्टर कर सके, उनकी इंडिविजुअलिटीज को कल्टीवेट कर सके, उत्पन्न कर सके, नर्चर कर सके, पोषण कर सके। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन। तो कंप्लीट कि यहाँ पे क्या संज्ञा है, फ्रीडम इज गिवन टू ए मैन। मैन का मतलब इंडिविजुअल से है, इट कैन बी मैन, इट कैन बी वुमेन, हमें उसको स्वतंत्रता देनी। स्वतंत्रता क्यों, किस लिहाज से, विद अ व्यू टू रियलाइजिंग हिज सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग हिज बींग, ताकि वो स्वयं को पहचान सके और अपने अस्तित्व को समझ सके। फिर इनकरेजिंग लर्नर्स टू गेट इन्वॉल्व इन फिलोसोफाइजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस चॉइसेस एंड प्रिफर सब्जेक्टिव नॉलेज। यानी कि हमको लर्नर को क्या इनकरेज करना है, कैसे इनकरेज करना है, कि वो अपने जीवन के अनुभवों को फिलोसोफाइज कर सके, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सके अपनी चुनाव पर, और सब्जेक्टिव नॉलेज को हमको प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे क्या है, सेल्फ सॉरी एंड प्रिफर सब्जेक्टिव नॉलेज, हाँ सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रेफरेंस देनी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज को प्रेफरेंस नहीं देनी। देन बिकमिंग ऑफ अ ह्यूमन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि व्यक्ति को हम वास्तव में मनुष्य बना सकें। नोइंग इज द सेंस ऑफ नोइंग वन सेल्फ, यहाँ पे जानने से मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद को जानने से, पहले हम अपने आप को जानेंगे फिर हम संसार को जानेंगे, तो ये उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। देन
मेकिंग बेटर चॉइसेस, कल भी ये बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे फ्रीडम देंगे, आप चुन सकते हैं, इंडिविजुअलिटी सब कुछ है, लेकिन हमको अधिगमकर्ता को, स्टूडेंट को, लर्नर को इस लायक बनाना है कि वो बेस्ट चॉइस, बेटर भी नहीं, बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट चॉइस को अपने लिए चुन सके और फिर उसके बाद वो रिग्रेट नहीं करे उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस हो। तो इसमें क्या है कि अ चॉइस डिटरमाइन परफेक्टिबिलिटी एंड हैप्पीनेस, मतलब चुनने का अधिकार हम नहीं, जो जिसके पास नहीं है ये अधिकार, जो चुन नहीं सकता अपने पसंद की चीज, वो समझ सकता है इसकी इम्फेसिस को, इसकी इंपॉर्टेंस को। तो ये क्या सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि हम कितने परफेक्शनिस्ट हैं, खुशी को हमारे सुनिश्चित करता है। क्यों? क्योंकि हम जो चुनना, हम जो चाहते हैं उसको, हम जो चुनना चाहते हैं उसको अगर हम चुन सकते हैं, इसका मतलब कि हम खुश हैं, या ये खुश होने की संज्ञा है। देन एजुकेशन शुड ट्रेन मैन टू मेक बेटर चॉइसेस, यानी कि शिक्षा का रोल क्या होगा, ये होगा कि हम व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को, लर्नर को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर सके कि वो बेटर और बेस्ट चॉइसेस अपने लिए सुरक्षित रख सके। देन फोस्टरिंग ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलपिंग अ स्केल ऑफ सुप्रीम वैल्यूज कंसिस्टेंट विद हिज फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम वैल्यूज का क्या मतलब है, सुप्रीम वैल्यूज यानी कि हमारे फ्रीडम के कंसिस्टेंटली अगर जो चलेंगी वही वैल्यूज सुप्रीम है और वही हमको पोषित करनी है शिक्षा के माध्यम से। करिकुलम कैसा होना चाहिए अस्तित्ववादियों का पाठ्यक्रम, सबसे पहली बात, मींस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस दैट विल हेल्प अनलीश देयर ओन क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हम पाठ्यक्रम छात्रों को प्रदान कर पाए जिससे कि उनको उनके अनुभव मिले और वो अपनी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को, स्व अभिव्यक्ति को, सॉरी, अनलीश कर पाए, मतलब उसको और बेहतर कर पाए, उसके अवसर मिले उनको प्रदर्शित करने के। देन रादर देन इम्फेसाइजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फोकस अपॉन द एक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल इंडिविजुअल्स, यानी कि हमको हिस्ट्री में हिस्टोरिकल इवेंट बताने की बजाय इस पर इम्फेसिस करना है कि हम उनके एक्शन, जो इंडिविजुअल्स रहे हैं हिस्टोरिकल, वो बता सके ताकि वो समझ सकें कि उसमें कितना इंडिविजुअलिटी को सुरक्षित रखा गया या नहीं। देन आर्ट्स जब पढ़ाएंगे तो आर्ट्स टू इनकरेज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, यानी कि जो जैसा बनाना चाहे, जिसके लिए जो सुभीता हो वैसा करे। एंड इमेजिनेशन मोर देन कॉपीइंग एंड इमिटेटिंग एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स, ऐसे नहीं पढ़ाना है कि ये एक मॉडल, ये एक मॉडल, ये एक मॉडल, आप कहिए कि आप कॉपी मत करिए, अनुकरण मत करिए, अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी को फ्लरिश कीजिए। देन एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स आर नॉट सो मच कंसर्न विद द एक्चुअल कोर्सेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इनका बहुत मतलब उससे नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से विषय पढ़ा रहे हैं, बल्कि दे आर विद वॉट द टीचर एंड द प्यूपिल डज विद देम, हमने जो भी करिकुलम सेट किया है उसको टीचर और प्यूपिल किस तरह से डील करते हैं, मतलब प्यूपिल की इंडिविजुअलिटी उसमें रेस्पेक्ट की जाती है कि नहीं, इस बात से ज्यादा इम्फेसिस है बजाय इसके बनिबस्त इसके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। देन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड, ये रखा तो जाएगा बट दिस शुड नॉट बी गिवेन मोर स्ट्रेस, लेकिन उसको हम बहुत ज्यादा बल नहीं देंगे। क्यों नहीं बल देंगे? क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिविटी की बातें करती हैं, जबकि हमको सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रेफरेंस देना है, इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी को एम्फेसाइज करना है। एज द डील विद ऑब्जेक्टिव नॉलेज, सेल्फ नॉलेज प्रिसीड्स यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि स्वयं का ज्ञान विश्व के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके अनुसार, अस्तित्ववाद के अनुसार। सॉरी। और क्या करना है, द करिकुलम शुड बी चोजन, सॉर्टेड आउट एंड ओन्ड बाय द लर्नर, यानी कि हम चुनेंगे भी, छांटेंगे भी और अपनाएंगे भी, किसके हिसाब से, अधिगमकर्ता के हिसाब से, यानी स्टूडेंट खुद ये काम करेगा। ये सब कुछ कौन कह रहा है, अस्तित्ववादी कह रहे हैं, नॉट मी एंड आई, मैं नहीं कह रही। देन टीचिंग मेथड क्या होने चाहिए एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग, सोक्रेटिक मेथड, देखिए सोक्रेट, सुक्रात साहब ने सबसे पहले कहा था ना, नो दाई सेल्फ, कल मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे सोक्रेटिक मेथड को हम क्यों इम्फेसिस कर रहे हैं, क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये डायलॉगिक मेथड की बात करते हैं, ये वन टू वन टॉक की बात करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच वन टू वन टॉक हो, जो भी उसकी पर्सनल क्वेरी हो, जो भी उसका द्वंद हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको दूर कर सके टीचर। पर्सनल रीडिंग शुड बी स्ट्रेस्ड, है ना, व्यक्ति को पढ़ना ज्यादा जरूरी है इससे बजाय इसके कि व्यक्ति क्या पढ़ रहा है। देन इम्फेसिस ऑन ओरिजिनैलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये हम लोगों को इतने देर में क्लियर हो गया है। लर्निंग बाई डूइंग, क्योंकि करके सीखेंगे तो हम अपना यूनिकनेस रहेगी उसमें। रिजेक्ट द ग्रुप मेथड, ग्रुप मेथड को सॉरी रिजेक्ट किया गया, क्यों,
बिकॉज इन ग्रुप डायनेमिक द सुपीरियोरिटी ऑफ द ग्रुप डिसीजन ओवर इंडिविजुअल डिसीजन इज प्रोमिनेंट. क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग जो बात कहते हैं वो मान ली जाती है, तो वो लोग जो कुछ लोग जो ऑपोजिशन है उनकी बात को नहीं सुना जाता है. इन दिस मेथड देयर इज डेंजर ऑफ लूजिंग यूनिक इंडिविजुअलिज्म एंड फ्री चॉइस. तो वो जो यूनिक इंडिविजुअलिज्म है वो खो जाता है, इसलिए समूह मेथड की समूह विधि को ये रिजेक्ट करते हैं. देन रिजेक्टेड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू बिकॉज ऑफ इट्स सोशल इम्फेसिस. और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी रिजेक्ट करते हैं. वाई? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने बनाया है. किलपैट्रिक ने. किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? डीवी के. और डीवी किसको महत्व देते थे? सोसाइटी को. ओके, तो चूंकि सोशल इम्फेसिस है इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी रिजेक्ट किया गया. और लर्निंग इट सेल्फ पेस एंड सेल्फ डायरेक्टेड, ये तो इविडेंट हो गया इतनी देर में. देन रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या भूमिका होगी? द टीचर्स रोल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स डिफाइन देयर ओन एसेंस बाय एक्सपोजिंग देम टू वेरियस पाथ्स दे मे टेक इन लाइफ एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इन विच दे मे फ्रीली चूज देयर ओन प्रिफर्ड वे. मतलब शिक्षक की भूमिका ये होगी कि हम बच्चे को, हम स्टूडेंट को ये बताएं कि कितने तरीके के रास्ते हैं, कितने पाथ हैं, कितने वेज हैं जिनमें वो भविष्य में, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और एक इस तरीके का वातावरण बनाएं जिसमें उनके चुनी हुई चीजें हो, उनका प्रेफर्ड रास्ता हो. देन एज नीलर नोटेड, इफ देयर इज एनीथिंग दैट द एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर कैन डू फॉर हिज लर्नर्स, यानी कि ऐसे कौन क्या कर सकता है अस्तित्ववादी शिक्षक अपने छात्रों के लिए, इज टू ब्रिंग देम टू ए मोर क्रिटिकल एनालिसिस. उनको उस स्तर पर ले आए जहां पे वो और आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस कर पाए. क्यों? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें वो अपने अस्तित्व को, के अर्थ को, उद्देश्य को समझ पाए. सो दैट विद टाइम, जैसे कि समय के साथ क्या होगा, मैन मे बिकम मोर देन ए मियर रिपीटेटिव क्रिएचर परपिचुएटिंग द हैबिट्स ऑफ देयर सिमिलर एंसेस्टर्स. मतलब हम लोग जो पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो पूर्वज हैं उन्हीं का रिपीटेटिव कोई वर्जन ना बन जाए, बल्कि वो बने जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है वो फोस्टर हो. ये अस्तित्ववादी शिक्षक को करना है. ओके, एंड देन कंक्लूजन. अच्छा, कंक्लूजन से पहले अगर हम इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस करें तो इसकी डीमेरिट्स बहुत हैं. बहुत इसकी आलोचना होती है. क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से समाज नहीं चल पाएगा ना, समाज चलने के लिए थोड़ी दिक्कत है. क्यों? क्योंकि हम हर व्यक्ति के अगर इंडिविजुअलिटी को फोस्टर करेंगे तो फिर सोसाइटी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी. फिर कोई रूल नहीं सेट हो पाएगा ना. थोड़ा बहुत एक मतलब लिबरल ढांचा भी रूल का होना जरूरी है, नहीं तो अराजकता हो जाएगी, उश्रृंखलता आ जाएगी, तो फिर कैसे नहीं हो पाएगा. बहुत सारी इस तरीके की दिक्कतें हैं. लेकिन मेरिट्स भी है. मेरिट्स क्यों? क्योंकि ह्यूमन को ह्यूमन बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअलिटी को फोस्टर कर रहे हैं, फ्रीडम है, चॉइस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने की शक्ति है, उस पर कोई रिग्रेट नहीं है. तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें भी हैं. तो एक हम इसका बैलेंस्ड कंक्लूजन इस तरह से दे सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज एन एटीट्यूड एंड आउटलुक. कैसा आउटलुक है, कैसा एटीट्यूड है? दैट इम्फेसाइजेस, बल देता है किस पर? ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे, मनुष्य के अस्तित्व पे, द क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन मैन इन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ नेचर. और व्यक्ति के गुणों पर बल देता है, ना कि मैन को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखता है. एजुकेशन देयरफॉर मस्ट इनरिच मैन्स माइंड. इसलिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? जो कि व्यक्ति के माइंड को इनरिच कर सके. सो दैट इट मे बी रेस्पेक्टेबल इन हिज ओन आइज, यानी कि हम ऐसे बने ताकि हम अपनी नजरों में भी हम आदर के पात्र हों, दूसरों के नजरों में भी आदर के पात्र हों. एंड इन होना चाहिए, कहीं कहीं मिस हो जाता है. इट शुड हेल्प हिम टू मेक ह्यूमन, यानी कि शिक्षा क्या होगी? अस्तित्ववादी शिक्षा उसको वाकई मनुष्य बनाने में हेल्प करेगी. ओके, so that's all for existentialism in education. Thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel. Join my telegram group too, so that you can get learning materials if you want. You can ask your query there and you can provide feedback to me too. Okay, so done from my side.